जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान, मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान, ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान, राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, जब हम बात करते हैं रिश्तों की, कहीं ना कहीं ये सभी हमसे जुड़े हुए हैं। हर दिन जब हम दिन की शुरुआत करते हैं, सबसे पहला रिश्ता जो हमारी ज़िंदगी में आता है वो है पेरेंट्स का। उठते साथ जब हम उन्हें गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो हमारा दिन ऑटोमेटिकली बेटर फील करने लगता है, हम खुद भी बेटर फील करने लगते हैं। लेकिन हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि वो कितना इम्पॉर्टेंट है वो सुबह का समय। इसी बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है बीके उषा बहन। ओम शांति। ओम शांति, वेलकम दीदी। थैंक यू दीदी। दिन की शुरुआत जब हम करते हैं, नींद से उठते हैं, शायद मम्मी हमारे लिए कुछ लेकर के आती है पीने के लिए, खाने के लिए, हम उस चीज़ की वैल्यू नहीं समझ पाते हैं कि हम सोचते हैं भाई मम्मी तो बचपन से मुझे देती आ रही है, तो इट्स नथिंग न्यू, वो वाला एक एटीट्यूड आता है हमारे ज़िंदगी में। उठते साथ हम मोबाइल पे लगे हैं और मम्मी ने ला करके रखा, वो चीज़ जैसे नेग्लिजिबल हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? वो इसीलिए क्योंकि शायद हमने अपने आप को इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं गैजेट के साथ कनेक्ट कर लिया है। ओ। और हम सोचते हैं कि नहीं, यही मेरी ज़िंदगी है। मेरी ज़िंदगी आसान अगर बनाई है तो इन्हीं गैजेट्स ने बनाई है, इसीलिए उसको इतना ज़्यादा महत्व देते हैं। और उस समय कहीं ना कहीं बच्चे भी समझते हैं कि भाई यही मेरी ज़िंदगी है, और माँ बाप भी सोचते हैं कि ठीक है चलो, वो उसमें बिजी है ना, तो वो भी कहीं सोचते हैं कि उसमें बिजी है तो वो हम जो करेंगे अगर कम टाइम दिया तो भी चलेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारा जो एक निर्जीव साधनों के साथ जो आजकल इतने सॉफ्टवेयर्स उसमें आ जाते हैं कि उसी में बच्चा लगा रहता है। करेक्ट। और इसीलिए जब एक निर्जीव साधन के साथ कितना लगे रहेंगे, आखिर भी तो ह्यूमन बीइंग है। एग्जैक्टली। उनको फीलिंग्स की कदर महसूस होने लगती है जब वो अभाव महसूस करता है। जी। और माता पिता ने टेकन फॉर ग्रांटेड कि भाई उनको दे दिया है, वो उसमें बिजी है, लगा है, कोई बात नहीं, हम अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। तो वो अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। दीदी, कई बार ऐसा होता है मेरे बिल मोबाइल का बिल आ रहा है 2,000-3,000 रुपए, लेकिन मम्मी को फोन, एक दिन पूरे दिन में कॉलेज जा रही है, सब्जी कह रही है, मम्मी को एक फोन नहीं जाता मेरा। वही ना। तो वो अगेन वो भी कम्युनिकेशन गैप की तरफ चला जाता है। और इसीलिए जो है जब बच्चा रियलाइज करता है कि आखिर भी निर्जीव साधन से जो मुझे, जो मेरे दिल को सुकून मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, कहीं कहीं जैसे कुछ हैलोनेस क्रिएट हो रही है। एग्जैक्टली। उसका रियलाइजेशन जब तक होता है तब तक तो हम बहुत दूर, एक बहुत बड़ी खाई पैदा कर दी होती है, है ना। और माँ बाप ने भी ये महसूस नहीं किया, वो अपने में ही व्यस्त रहे और बच्चा अपने में व्यस्त रहा, और इसीलिए ये शायद खाई क्रिएट हो जाती है। करेक्ट। बाद में उसको कितना भरने का प्रयत्न करो, जब खाई पड़ गई तो पड़ गई, बिल्कुल पड़ गई, फिर आप कितना उसको कवर करेंगे, कितना भी कवर अप करने का प्रयत्न करते हैं जी, नहीं होता है। और ये खासकर तभी होता है कि जब माँ बाप दोनों ही काम पर जा रहे होते हैं, बिल्कुल दोनों ही अपने अपने माना लाइफ में संघर्ष कर रहे हैं, नेचुरली है कि उनको बच्चों की डिमांड्स को पूरी करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, दे हैव टू मीट द टू एंड्स। करेक्ट। और इसी में वो सोचते हैं कि हम उनको सेटिस्फाई करें, हम उनको सेटिस्फाई करें, हम उनको सेटिस्फाई, लेकिन उस बात में वो इतना अपने में एनग्रॉस्ड हो जाते
कि उनको सेटिस्फेक्शन देने का तो दूर ही हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसी में फिर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है। जी दीदी, इसी बात से मेरे दिमाग में एक बात आई, अगर वर्किंग वुमेन होती है तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जो मेड है उसके हाथ का खाना खा रहा होता है जी, रोज उसके हाथ का खाना खा करके, लेकिन जब वीकेंड आता है मम्मी के हाथ का खाना खाने वाली हूँ मैं, बिल्कुल वो जो एक खुशी रहती है उसके लिए वो पूरा हफ्ता वेट कर रहे होते हैं कि मम्मी के हाथ के मैं पराठे खाऊंगी, तो वो भी एक जैसे एक प्यार का अभाव की तरीके हो जाता है। वही तो हेलोनेस क्रिएट हो गई ना। अच्छा, और संडे को भी मान लो कि माता पिता को आजकल सोशल भी तो रहना पड़ता है, कहीं शादी में जाना है, कहीं कहाँ जाना, तो बच्चे को कहते हैं वी आर सॉरी आज हमको शादी में जाना है, तुम आज प्लीज मेड का हाथ का ही खा लो, या ये खा लो, ये बना करके जो रखा है वो चीज खा लो, तो वो चीज वो महसूस नहीं करते हैं कि बच्चा कुछ अपने अंदर लैक कर रहा है, है ना, सोचता है तो ही शुड अंडरस्टैंड, यू नो माँ बाप ये सोचते ही शुड अंडरस्टैंड वॉट एवर वी आर डूइंग फॉर हिम ओनली, लेकिन बच्चे को वो चीज नहीं चाहिए, उसको जो चाहिए वो चीज उसको नहीं मिल रही है। करेक्ट, है ना। मुझे याद आता है ये एक इंसिडेंट, रियल स्टोरी है कि एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, माना ही वॉज नंबर वन इन हिज फील्ड डेफिनेटली, और काफ़ी पैसा कमाते थे, उसकी वाइफ जो थी बहुत सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई थी, रोज कहीं कोई प्रोग्राम है, कहीं कोई प्रोग्राम है, कहीं जाना है, आज यहाँ ओपनिंग करनी है, उसी में ही सोशल एक्टिविटीज में बहुत इन्वॉल्व थी वो जी। एक ही बच्चा था। अच्छा, माँ पिता इतना कमाता था, माँ कमाती भले नहीं थी लेकिन वो सोशल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थी, और इस कारण से जो है पिता हर चीज उसको दे देता था बच्चे को, जो उसने कहा उसको, जैसे हर मंथ पॉकेट मनी ही इतनी मिलती थी, लेकिन वो पॉकेट मनी क्या करता, आखिर भी वो बच्चा था तो नेचुरल है, फिर गलत फ्रेंड सर्कल में चला exactly. गया, गलत फ्रेंड सर्कल में चला गया, वो लोग उसको यूज करने लगे, और उसी में ही जो है गलत संगति जब आ गई तो नेचुरल है कहीं ना कहीं ड्रग एडिक्शन में चला गया, ड्रग एडिक्ट हो गया, ड्रग्स लेने लगा, माँ बाप को कुछ पता ही नहीं, दोनों अपने में बिजी है, शाम को बच्चा आता है सो जाता है, देर से आता है, कभी 8 बजे आए, 9 बजे आए, 10 बजे आए, सो गया, माँ बाप अपने में थके हुए होते हैं वो भी सो जाते हैं, है ना। आखिर एक दिन बच्चा जो है 9 बजा, 10 बजा, 11 बजा, 12 बजा, 1 बजा, 1 बजे तक माँ बाप को नींद नहीं, क्या आज आया क्यों नहीं है, ये कहाँ चला गया, कुछ हुआ तो नहीं, माँ बाप झगड़ा कर रहे हैं, पिता कहता है बस तुम अपने सोशल एक्टिविटी में इतना रहते, बच्चे का ध्यान नहीं रखते, यू नो दे वर ट्राइंग टू ब्लेम वन अनदर, ब्लेम गेम शुरू हो जाता है ना फिर वहां पे, कि तुमने नहीं ध्यान दिया, माँ कहती है आखिर तुमने बच्चे के साथ कब टाइम स्पेंड किया, कब उसको उसके साथ बैठ करके कुछ शेयर किया, कुछ उसकी बातें सुनी, यू नो दे वर बोथ फाइटिंग एट द मिडल ऑफ द नाइट, दोनों लड़ रहे हैं, बच्चा अभी तक घर में आया नहीं है, यहाँ वहां फोन कर रहे हैं, पता ही नहीं है बच्चा कहाँ चला गया। आखिर 3 बजे, अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock, द चाइल्ड कम्स और पूरा नशे में है, अरे इतना नशे में है, आया घर में, है ना, जैसे ही घर में उसने कदम रखा तो पिता ने जैसे उसको कहा कि ये टाइम भी क्यों आया, क्योंकि वो दोनों लड़ तो रही थे, उसी गुस्से में वो उसकी अपनी वाइफ का गुस्सा उसके ऊपर निकाल दिया उसने, ये टाइम को भी क्यों आया, सारी रात ही बाहर रहा है, कल सुबह ही आता था, 3 बजे भी आने की क्या जरूरत थी, माँ ने कह दिया मर जाता था तो अच्छा होता था, तेरे कारण आज मुझे कितना सुनना पड़ा, है ना, इस तरह से बात करने लगे। अब वो नशे की हालत में था और उस समय ये शब्द अंदर चले गए, और भी बहुत कुछ बोला माँ बाप ने, जब बोला वो शब्द चले गए अंदर में, कमरे में गया लेकिन उसको नींद नहीं आई, वही विचार घूम रहे हैं अंदर में कि ये टाइम भी क्यों आया, नहीं आता था तू, और माँ ने कहा मर जाता था तो ही अच्छा होता था, तेरे कारण आज मुझे सुनना पड़ा। तो उसने रात में 3 बजे अपनी माँ और पिता के नाम से
एक चिट्ठी लिखी कि माँ तूने कहा मर जाता था तो अच्छा होता था, इसलिए आपके बोल को मैं अपनी आज्ञा मान करके सिर माथे करता हूँ कि आप सुबह मुझे नहीं मिलोगे। और पिता को कहा कि भाई आप कहते थे बाहर ही रहता था, आया ही क्यों ये, तो कल से आप मुझे मेरे शरीर को बाहर निकाल देंगे हमेशा के लिए और मैं दोबारा आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगा। और इस तरह से चिट्ठी लिख करके उसने जो है सुसाइड कर लिया। और सुसाइड करके बस सुबह जब माँ बाप उठे, बच्चे को उठाने का प्रयत्न किया, कमरा खुला ही नहीं, कमरा तोड़ के अंदर गए तो देखा सुसाइड नोट है। उसके बाद इतना अफसोस करने लग गया, अरे बच्चे को बोलना नहीं चाहिए था, हमने गलत किया, लेकिन इट्स टू लेट नाउ, है ना। कहने का भावार्थ के अक्सर ये प्रॉब्लम वहीं आती है जहाँ बच्चे को सब कुछ मिलता है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, माँ बाप की ओर से साधनों की, सुविधाओं की कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आज हर बच्चा एक ह्यूमन बीइंग है। एग्जैक्टली। सो व्हेन वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, द बीइंग वांट्स टू बी, है ना, द बीइंग वांट्स टू बी विथ यू। और जब वही हम नहीं दे पा रहे हैं, वी वांट टू बी विथ समबडी एल्स, है ना। वो माँ अपने सोशल एक्टिविटी में इतनी, शी वॉन्टेड टू बी इन द सोशल एक्टिविटी ओनली जी, एंड द फादर वॉज बिजी इन हिज ओन, माना नंबर वन डॉक्टर था, इसलिए उसी में ही उसका ईगो जो था कि नहीं आई एम द बेस्ट, यू नो। या और ईगो से मेरे दिमाग में आया दीदी, कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट और चाइल्ड के बीच में भी कई बार ईगो क्लैशेस हो जाते हैं। डेफिनेटली बहुत, जबकि छोटा सा बच्चा होता है तो भी उसकी ईगो पे आ जाता है कि भाई इतना मतलब सबके बीच में मुझे क्यों डांट दिया, ऐसे कैसे आपने मुझे डांट दिया। तो ये ईगो क्लैशेस जो होते हैं ये क्यों होते हैं, क्योंकि बच्चे के अंदर तो ईगो तो होना ही नहीं चाहिए। बच्चे के अंदर नहीं होना चाहिए, लेकिन वो देखता किसको है, वो वही सीखता है, क्योंकि जो उसकी उम्र होती है जी, वो छोटी सी कली के रूप में, और उस समय वो जब देखता है माँ बाप का ईगो क्लैश हो रहा है, अब जब माँ बाप का ही इतना ईगो क्लैश हो रहा है तो वो जो चीज देखता है तो वही इम्पैक्ट करेक्ट उसके छोटे से दिमाग के ऊपर पड़ता है और उसको आता है। कई बार वो पिता से ही सीखता है ये चीज, अगर पिता माँ से इतना एक्सपेक्ट करता है तो मैं भी एक्सपेक्ट करूं फिर, करेक्ट। और इस तरह से फादर एंड सन के बीच में फिर वो ईगो क्लैश हो जाती है, होने लगती है, क्योंकि वो जब देखता है अपनी माँ के साथ का व्यवहार उसके पिता का, या माँ का व्यवहार पिता के साथ का, तो वो ईगो का जो इम्पैक्ट उसके छोटे से दिमाग के ऊपर पड़ता है, भले वो पूरा समझ नहीं पाता है लेकिन कहीं ना कहीं उसका स्वरूप भी वैसे होने लगता है, है ना जी। जो वो देखता है वही उसका फॉर्म बनता है, करेक्ट, वही उसका स्वरूप बनता, क्योंकि है। वो उसे कहीं ना कहीं आइडलाइज कर रहे होते हैं। हम अपने पेरेंट्स को हमेशा आइडलाइज करते हैं, हम देखते हैं कि मेरे डैड जैसे, सपोज अभी मैं अल्कोहल की बात करूं, आज अगर पेरेंट्स के मतलब एज अ पेरेंट अगर मैं फादर इफ आई एम हैविंग अल्कोहल, तो बच्चा भी देखता है कि भाई डैडी तो पीते हैं। फिर जब वो फ्रेंड्स के बीच में होता है तो अगर उसको वो आराम से रिलेट कर रहा होता है अपने पेरेंट्स के साथ में कि मेरे फादर पीते हैं तो मैं क्यों नहीं पी सकता। सही बात है। तो फिर हम क्या उन्हें सजेशन दें कि ऐसे बच्चों को क्या सजेशन दिया जाए जो अपने पेरेंट्स तो वो जो करे लेकिन बच्चा कम से कम ना पिए, ऐसे क्या हम उसे सजेशन दे सकते हैं? वेल, मैं तो ये कहूँगी कि हाँ, उस समय माँ का कर्तव्य है कि वो बच्चे को उस बात की जागृति दे कि ये जो चीज़ है वो किस तरह से बर्बाद करती है व्यक्ति को, अपनी फैमिली को, रिलेशनशिप को, सब चीज़ों को। तो जब उसके बारे में अवेयरनेस उसको राइट वे में अगर देती है तो शायद बच्चा उसको आइडलाइज करने के बजाय वो अपने जीवन की धारणाओं को मजबूत कर लेता है। ओके, वो उनके अंदर वैल्यूज अपने क्रिएट होने चाहिए। हाँ, करेक्ट। तो वो इंस्टिल करना वो माँ का काम है फिर, कि किस तरीके से वो इंस्टिल करती है। करेक्ट।
बिकॉज मैं ऐसा समझती हूँ कि माँ जितना अच्छी फ्रेंड बन सकती है ना बच्चे की, उतना शायद पिता नहीं बन सकता है। अच्छा। हाँ, जैसे बच्चा 16-17 साल का होता है तब पिता उसका बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। तो उम्र है, बचपन की एज में, क्योंकि वो अधिक समय माँ के साथ बिताता है तो उसके लिए आइडल उसकी माँ है। कम्युनिकेट करना उसके लिए आसान है। करेक्ट। तो इसीलिए जो है उस वक्त वो उसकी फ्रेंड बन सकती है। और अगर वो उसकी फ्रेंड बन जाए तो वो उसको अच्छे से गाइड कर सकती है, अच्छे से संस्कार दे सकती है। करेक्ट। लेकिन उसके बाद की जो स्टेज है उस समय पिता को उसके लिए फ्रेंड बनना जरूरी होता है जी। है ना। जैसे ही टीन्स में आता है उस समय पिता उसके लिए बेस्ट फ्रेंड हो जाता है। करेक्ट। क्योंकि वो शायद दुनिया के सामने ये बताना भी चाहता है कि यू नो माय डैड इज लाइक दिस, है ना। उस समय बचपन में है तो मॉम का जिक्र ज्यादा करता है, लेकिन जैसे ही टीन्स में आता है माना उसका कंधा बाप के कंधे से मिलने लगता है। अब जैसे ही कंधा मिल गया तो नेचुरल है कि वहाँ पिता को भी ये आना चाहिए कि अब नाउ आई हैव टू बी माय अ फ्रेंड विथ हिम, फ्रेंड विथ हिम, नाउ आई कैन बी अ फादर। करेक्ट। शोल्डर शोल्डर मैच हो गया है तो अब मुझे फ्रेंड बनना है। तो यू नो माँ बाप दोनों का ये रोल जो है जी, इस तरह से जीवन में अगर आता है बच्चों के सामने तो बच्चा जो है बहुत अच्छी तरह से वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और उसी के हिसाब से उसके संस्कार अच्छे बनने लगते हैं। दीदी एक नया ट्रेंड निकला है कि बच्चों को हॉस्टल में भेज दिया जाए क्योंकि मम्मी डैडी दोनों वर्किंग है, कौन संभालेगा। कई बार मम्मी घर में भी होती है, हाउसवाइफ भी होती है, लेकिन ये थॉट प्रोसेस होती है कि बच्चे को किस तरह से हम बेस्ट अपब्रिंगिंग दें, और ये सोचते हैं हम एज अ पेरेंट कि हॉस्टल में उसे बेस्ट अपब्रिंगिंग मिलेगी। एम आई राइट? ये सोच मेरी सही है एज अ पेरेंट? मना हो सकता है कि माँ बाप ये समझते हैं कि घर में हम क्योंकि बच्चे को डांट नहीं सकते हैं, बच्चे को डिसिप्लिन में शायद नहीं रख पाएंगे क्योंकि बचपन का लाड़ प्यार कुछ ज़्यादा ही था, तो उसको देखते हुए माँ बाप को लगता है कि शायद अभी हम उसको डिसिप्लिन करने जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा। तो इसीलिए सोचते हैं कि हॉस्टल में चला जाएगा तो वहाँ उसको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा तो सीखेगा जी। तो इसलिए वो सोचते हैं, ये सोच बना लेते हैं और हॉस्टल में भेजते हैं। यदि कई बार घर का माहौल भी वैसा नहीं होता, घर में भी कई सारे मनमुटाव चल रहे होते हैं, किसके बीच में, शायद सास ससुर के बीच में या हस्बैंड वाइफ के बीच में, इस रीजन की वजह से भी बच्चे को दूर भेजा जाता है कि कम से कम इस माहौल से दूर रहे, तो क्या हम सही हैं? हाँ, हो सकता है कि ये जहाँ माना घर का माहौल अगर ठीक ना हो और उसमें अगर भेज दिया जाता है, लेकिन तब भी बच्चे के मन पर थोड़ी इम्पैक्ट तो रहती है कि क्यों मुझे दूर भेज दिया जा रहा है। करेक्ट, है ना। और अच्छा ये बात है कि अगर उसको भेज दिया लेकिन उसका कम से कम कंटिन्यू हालचाल तो पूछते रहो। करेक्ट, है ना। हर दिन फोन करे कम से कम, या अल्टरनेट डे फोन करे जी, तो कम से कम उसका हालचाल, ताकि उसको दूर होते हुए भी समीप का एहसास तो हो। लेकिन हॉस्टल में भेज दिया उसके बाद जैसे माता पिता को लगता है हमारी जिम्मेवारी खत्म हो गई, हफ्ते में एक बार फोन कर लिया तो चलेगा या 15 दिन में एक बार फोन कर लिया तो चलेगा, ये नहीं चलता है। उस समय बच्चा जैसे बहुत मिस कर रहा होता है, सही बात है, और घर के माहौल को, घर के लोगों को इतना मिस कर रहा होता है, उस समय ही अगर हमने फोन नहीं किया तो वो बच्चा जैसे तड़पता है अंदर में। करेक्ट। मुझे मालूम है कि एक छोटी बच्ची है, उसको हॉस्टल भेजा, कुछ उसके हालात ऐसे थे तो उसको हॉस्टल भेजा, और उस हॉस्टल में काफ़ी डिसिप्लिन थी तो डिसिप्लिन के हिसाब से हर फ्राइडे या सैटरडे को ही माता पिता दोपहर के समय में, मतलब वो टाइमिंग होती है, वो टाइमिंग के बीच में ही कॉल कर सकते हैं वहाँ लैंडलाइन पर। अच्छा। और उससे ही बात, छोटे बच्चे होते थे तो उनको तो नेचुरल है मोबाइल नहीं देते हैं, तो इसीलिए उनको वहाँ पर हॉस्टल में भाई ये टाइमिंग से ये टाइमिंग के बीच में ही आप फोन पर बात कर सकते हैं। मैंने देखा
कि एवरी सैटरडे सारे बच्चे वहीं बैठे रहते हैं। ओ है ना, 12 से लेकर के 2 बजे का समय है बातचीत करने का पेरेंट्स का। हर बच्चा वहाँ आ जाता है, आज मेरे मम्मी का मेरे पापा का फ़ोन आएंगे, किसी का बड़े भाई का बड़ी बहन का इंतज़ार होता है, वो बच्चे वहाँ बैठे रहते हैं, दूसरे को देख, इसका फ़ोन आ गया, मेरा तो आया ही नहीं, करेक्ट। और जिस दिन माँ बाप माना कई बार ध्यान से उतर जाता है, करेक्ट, मैं ये नहीं कहती हूँ कि जानबूझ करके कोई करता है, लेकिन कई बार ऐसे हालात हो जाती है माँ बाप के लिए भी कि ध्यान से ही उतर जाता कि आज सैटरडे है, आज वो इंतजार कर रहा है। और 2 बजे के बाद जब सारे बच्चे चले जाते हैं अपने अपने रूम में, तभी भी कुछ बच्चे आश लेकर बैठे रहते हैं कि शायद आ जाए, शायद आ जाए। हाँ, 2 से 2.5 आधा घंटा और इंतजार कर लेते हैं। फिर जब वो चले जाते हैं, माँ बाप को याद आता, अरे आज तो सैटरडे था, आज तो फोन करना था, अरे बिल्कुल भूल गए, लेकिन अब नेक्स्ट सैटरडे तक वेट करना है। और उस सैटरडे भी गए तो ये जो चीज मिस होती है ना, वहां से बच्चे को ये फीलिंग आने लगती है कि शायद मेरे मम्मी पापा मुझे प्यार ही नहीं करते हैं, यू नो, ये फीलिंग आती है। इसीलिए और फिर नेगेटिव थॉट्स चले, इसीलिए शायद उन्होंने मुझे हॉस्टल में भेज दिया, वो अपने साथ रखना ही नहीं चाहते थे। इतने नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं बच्चे को, और उसी एज में अगर नेगेटिव थिंकिंग की हैबिट पड़ गई उसको, करेक्ट, तो डिप्रेशन का शिकार होना तो बहुत स्वाभाविक है फिर। बिल्कुल ठीक कहा दीदी आपने। कई बार ऐसा भी होता है, कई बार ऐसे बच्चे होते हैं कि उनको सपोज जो पेरेंट्स होते हैं खास करके सबके सामने में उनकी बुराइयां करते रहते हैं कि तुम ये नहीं करते हो, तुम ये नहीं करते हो, आंटियों को जा करके बोलते हैं कि भाई तुम समझाओ मेरे बच्चे को। और कई बार उनकी जो बुराइयां हैं उसको, कमियां जो है उसको इतना ज़्यादा पब्लिसिटी कर देते हैं कि बच्चा फिर सोचता है कि मम्मी मुझसे प्यार ही नहीं करती है, और वो कोशिश भी करेगा बदलने की, फिर से वहीं से वो डांट आ जाती है। तो अगेन वही चीज, वो एक साइकिल की तरह चल रहा होता है। इस साइकिल को कैसे तोड़ा जाए, दोनों तरफ से, पेरेंट की तरफ से भी और बच्चे की तरफ से भी। मेन बात तो ये है कि उस समय मैं तो पेरेंट्स के लिए ही कहूँगी जी कि पेरेंट्स को ये चीज, ये आदत जो है वो छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये समझना चाहिए कि आजकल का बच्चा जो है हाइपर सेंसिटिव है। इतना हाइपर सेंसिटिव कि वो शायद बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, और उस कारण से रिएक्टिव हो जाएगा वो। और अगर बच्चा रिएक्टिव हो गया तो उसके बाद तो बहुत मुश्किल है फिर उसको वापस पॉजिटिव करने के लिए। तो रिएक्टिव तो ना होने दे, लेकिन जब तक माँ बाप को ये बात महसूस होती है इट्स टू लेट। बच्चा इतना रिएक्टिव हो गया है, वो कभी फिर माँ बाप से प्यार नहीं करता है, वो सोचता है जहाँ देखो मेरी बुराइयाँ ही करते रहते हैं। करेक्ट, बिल्कुल दीदी। एक और बात मेरे दिमाग में आई, जैसे कई बार ऐसा होता है कि जो फैमिली होती है वो रेंट पे रह रहे होते हैं, तो उनको बार बार घर बदलना होता है, तो बच्चे का माहौल हर बार बदलता है, तो फ्रेंड्स तो नए आने लगते हैं हर बार हर जगह पे, कई बार बच्चे एक फ्रेंड्स तक बनाना छोड़ देते हैं। तो ऐसे में इंट्रोवर्ट बच्चा अगर हो तो ऐसे में उस बच्चे को कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि वो उसके पास कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोई भी नहीं है, सिर्फ वो 2 पेरेंट्स हैं जिनके साथ वो उसको पूरा ज़िंदगी बितानी है। तो ऐसे में क्या किया जाए, एज अ पेरेंट आपका क्या रोल होना चाहिए उसमें? मैं ऐसा समझती हूँ कि उसको या तो मोटिवेट करें, क्या तुम फ्रेंड्स बनाओ, उसमें क्या है हर बार तेरे को नए नए फ्रेंड्स मिल रहे हैं। अच्छा, पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव अप्रोच बताना चाहिए कि देखो तेरे को हर जगह से कुछ नया सीखने को मिलेगा। हर बंदा अलग होता है, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती है, कोई ना कोई टैलेंट्स होती है, वो तुम्हें देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। तो जितना उसको मोटिवेट करेंगे इस तरह से जी, तो शायद उसका नजरिया बदल जाएगा फिर, और उसको लगेगा कि बहुत सारे फ्रेंड्स, करेक्ट, मैं एक ही जगह के 5 फ्रेंड्स से अच्छा, अरे मेरे पास तो 5 जगह के और 5 फ्रेंड्स हैं। हाँ, तो वो वाली बात आ जाती है। मैंने एक बहन को, बच्चे को देखा था कि उसको 2 बहनें थी, एक थी इंट्रोवर्ट थी, उसको ज्यादा फ्रेंड्स पसंद नहीं थे। उसका जो है ना वैकेशन का टाइम आता था, वो लाइब्रेरी जा करके बुक्स लेके आती थी, बुक्स पढ़ना उसके लिए बेस्ट। ओके,
एडवेंचर बुक्स, पता नहीं कैसी कैसी बुक्स, मना अच्छी बुक्स लेके आते थे, पढ़ते थे, जिसमें करेज हो, एडवेंचर हो, ऐसी बुक्स पढ़ती थी। और उसकी छोटी बहन, उसको बुक्स पढ़ने से कोई मतलब नहीं, उसको बोरिंग लगता था, उसको लगता है आई वांट पीपल। आखिर इतने फ्रेंड्स बनाती गई बनाती गई बनाती गई वो, कि जब कॉलेज में आई तो वो गिनती कराने लगी कि मेरे कितने फ्रेंड्स हैं, पता है आपको? मेरे 100 फ्रेंड्स हैं। करेक्ट, है ना। और उसने एक दिन पार्टी रखी अपने घर में और उसके सारे फ्रेंड्स को बुलाया, बड़ी बहन को कहा तू भी अपने फ्रेंड्स को बुला। उसके पास 2-4 फ्रेंड्स, 4-5 फ्रेंड्स होंगे मैक्सिमम, बाकी उसकी बुक्स। तो दोनों के बीच का अंतर देखा कि उसके पास सिर्फ 5 फ्रेंड्स थे, उसके पास 100 फ्रेंड्स थे। और वो 100 फ्रेंड्स के बीच में, माना सबसे बड़ी बात तो हमें ये अच्छी लगी कि शी वॉज एबल टू रिलेट टू ऑल दोज फ्रेंड्स। करेक्ट, माना 100 फ्रेंड्स बना लेना कितनी आसान बात नहीं है, क्योंकि हर एक के साथ नेचर मैच हो ना जी, तभी फ्रेंड्स बनते हैं। हर एक के साथ माना हमारा EQ लेवल, IQ लेवल मैच होना, तभी फ्रेंड्स बनते हैं। लेकिन वो सब जैसे उसको इतना मानते थे, करते थे, दे वर रियली एंजॉयिंग। पार्टी रखी थी ये उत्तरायण के दिन, जब पतंग काइट फ्लाइंग होती है तब, तो काइट फ्लाइंग में उसने बुलाया था सभी फ्रेंड्स को कि आज हमारे घर में ही पार्टी होंगी, काइट फ्लाइंग करेंगे सारा दिन टेरेस पर, और आप सब आना। और जो सारा दिन शोरगुल चलता रहा शाम तक, और उसकी ही बड़ी बहन, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें। वो कहती मेरी किताब बहुत अच्छी है, शी वॉज हैप्पी इन हर ओन बुक्स ओनली। खैर दोनों का नेचर अपना अपना था, है ना, दोनों का नेचर अपना अपना। और इसीलिए जब देखा कि हाँ, मैंने ये भी देखा दोनों बहनों का, दोनों हॉस्टल में भी पढ़ी, हॉस्टल में भी यही हुआ, उसके बहुत कम फ्रेंड्स उसके हॉस्टल में भी, पूरी हॉस्टल को साथ ले लेती थी जैसे, बड़े हो छोटा हो कोई भी हो, उसको साथ लेने की कला होती थी जी। लेकिन एक चीज मैंने देखी कि जब वो बड़ी जो थी इंट्रोवर्ट थी, छोटी जो थी एक्सट्रोवर्ट, सबके साथ में चलने वाली, सभी को मना लेती थी, चाचा ताऊ बुआ सबको साथ लेकर के चलने वाली, तो धीरे धीरे सारे फैमिलीज वाले भी उसको लाइक करने लगे छोटी को, कि ये आती है ना तो घर जैसे हमारा जिंदा हो जाता है। करेक्ट, तो वैकेशन के टाइम में हर एक उसको बुलाता था, बड़ी को नहीं बुलाता था, कि वो आती है शांत शांत रहती है, बस अपने में ही रहती है, वो बुक्स अपने लेके आएंगी पढ़ती रहेंगी, उसका कोई जैसे ये जान नहीं डालती थी जी, छोटी जान डाल देती थी। अब जब सारे लोग इस तरह से बात करने लगे, तब बड़ी को महसूस हुआ और तब उसको फील होने लगा, इतना फील होने लगा कि मन मेरे ही रिलेटिव्स मुझे नहीं चाहते नहीं है। और इसमें भी कहीं ना कहीं दीदी कंपैरिजन, आज हमने कितनी सारी बातें सीखी, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये सीखी कि एज अ पेरेंट हमारा क्या रोल होता है एक बच्चे को पूरी तरह से एक बेटर अपब्रिंगिंग देने में। हम कहीं ना कहीं कुछ कुछ गलतियां कर रहे हैं छोटी छोटी, जिसे हमें बदलने की ज़रूरत है, तो ऑटोमेटिकली हमारे बच्चे हमसे प्यार करने लगेंगे। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। दोस्तों आज हमने क्या सीखा, जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स की, कहीं ना कहीं उसके अंदर में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों के बीच का रास्ता भरने की ज़रूरत है। जब हम बात करते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की, तो अपने दिल की बातें दिल खोल करके दूसरे को बोलिए। एज अ पेरेंट अपने बच्चे को समझने की कोशिश कीजिए, उसके दिल की बातें, उसकी छोटी छोटी आदतों पर हर बार टोक टोक मत कीजिए, उसे समझ करके और फिर धीरे धीरे उसे बदलने की कोशिश कीजिए, और फिर आप देखिएगा उसके अंदर बदलाव आने लगेगा, और आप जैसा उसे बड़ा करना चाहते हैं वैसे ही वो बड़ा होगा। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं, कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।